हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, जैसे कि सब जानते हैं संक्रांति आने वाली है, तो हर घर में तिल का लड्डू तो कंपलसरी है ही बनना। और वैसे भी ठंड में तिल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इसमें हाई कैल्शियम होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आज मैं आपको तिल का लड्डू बनाना बता दी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे तिल के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो तिल लिया हुआ है। ये तिल धो के अच्छे से इसको सुखा लिया है। यदि आप तिल आपके यहाँ धूप नहीं आती हो या सुखाने का टाइम नहीं है, तो आप मार्केट से धुले हुए तिल ला सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं और इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। और इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे 3 पाव के करीब गुड़ लिया हुआ है। गुड़ लड्डू वाला ही यूज करिएगा, क्योंकि तभी लड्डू अच्छे बनते हैं। और गुड़ यदि कम होता है तो फिर हमारे लड्डू उतने अच्छे बनते नहीं है, इसलिए गुड़ की क्वांटिटी अच्छी रखनी है। और यहाँ पे मैंने 1/4 कटोरी भुनी हुई मूंगफली ली है, जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है। इसको हम बाद में डालेंगे, पर डालने से पहले थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे, ताकि ऐसे बड़े बड़े दाने ना रहे। फिर हम इसको अपने तिल में ऐड करेंगे। तो मैंने देखिए कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे। तो आप चाहे तो पूरे तिल को एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा तिल डाल के इसमें रोस्ट करूंगी। उसे क्या है कि तिल अच्छे से रोस्ट हो जाता है। कढ़ाई अच्छी गर्म होनी चाहिए, धीमे में आज आप इसे भूनेंगे तो ये आवाज नहीं आएगी। देखिए इसमें आपको चट चट की आवाज आ रही है, यानी कि हमारा तिल अच्छे से सूखा है और अच्छे से सिक रहा है। ये देखिए, तिल जितना अच्छे से आप भूनेंगे उतने अच्छे आपके लड्डू बनेंगे, नहीं तो फिर वो मुंह में कच्चे कच्चे आते हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा एकदम करके सारे तिल को अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए आप, इसकी आवाज आ रही है आपको तिल की, इसमें तो ऐसी आवाज आनी चाहिए, तभी हमारा तिल अच्छे से भूनता है। अब भूनने के बाद ये क्वांटिटी में जस्ट डबल दिखने लग जाता है, यदि अच्छे से ये भुना हुआ होता है। तो इसी तरीके से मैं सारे तिल को भून लूंगी। हमारा तिल अच्छे से भून गया है, अब इसमें से चट चट की आवाज नहीं आ रही है, यानी कि अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। मैंने पूरे तिल को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसी कढ़ाई को यूज करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद हम इसमें अपना गुड़ ऐड करेंगे। घी से क्या है, थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस रहती है। अब मैं इसमें जो हमने गुड़ लिए हुए हैं उसको डाल दे रही हूँ। मैंने इसे फोड़ा नहीं है, क्योंकि हम इसे में पानी डाल के इसको मेल्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको मेल्ट करेंगे हम। ये देखिए हम, मैंने इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाला है। अब इसकी हम अच्छे से एकदम लड्डू बन जाए ऐसी चाशनी बनाएंगे। तो हम पहले लड्डू बनने से पहले चाशनी को चेक करेंगे। तो पहले हम अपने पूरे गुड़ को इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाने देते हैं। मैं गैस की फ्लेम को तेज कर दी हूँ। जब हमारा पूरा गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको एक बार छान लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि गुड़ में कई बार कंकड़ और मट्टी जैसा होता है। तो यदि वो हमारा लड्डू वैसा बने उसके साथ में बंधेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में किरकिर किरकिर लगता है। तो मैं सबसे पहले चाशनी को मेल्ट करने के बाद इसको छान लूंगी। फ्रेंड देखिए, हमारा गुड़ अच्छे से पूरा पिघल गया है। अब मैं आपको छान के दिखाती हूँ इसमें कितना कंकड़ रहता है। ये देखिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें ऐसे स्टील वाली छन्नी रख ली हूँ। आप स्टील वाली ही छन्नी का यूज करिएगा, फिर दूसरी छन्नी यूज करेंगे तो वो छन्नी ही मेल्ट हो जाएगी। बहुत ध्यान से ये करिएगा, क्योंकि बहुत ही गर्म होता है हमारा गुड़। देखिए इसमें कितने कंकड़ दिख रहे हैं आपको, काले काले। देखिए कढ़ाई में भी अभी आपको दिख रहा है। तो अब मैं इसको वापस कढ़ाई में डालूंगी और फिर इसे पकने के लिए रख दूंगी। देखिए मैंने चाशनी को वापस कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसे हमारा लड्डू बनने तक में, इसको जैसी चाशनी चाहिए हमको 2 तार की, वैसी बनने तक इसको पकाएंगे। फिर मैं इसे पानी में डाल के चेक करूंगी, तब उसके बाद ही हम इसमें अपना तिल ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसे उंगली में ऐसे लीजिए। ये देखिए इस तरीके का, इसमें जब तार आने लगेगा इसका मतलब है कि आपकी चाशनी बनकर तैयार है। और इसको थोड़ा सा हम पानी में डाल के देख लेंगे, जब ये अच्छे से जमने लग जाएगा तब मतलब है कि अब आप इसमें तिल ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये हिल नहीं रहा है, ये देखिए इस तरीके की इसमें
गोली बन जाएगी। ये देखिए बस अब इस समय देखिए इस समय मैं गैस बंद कर दूंगी और इसमें हम अपना तेल ऐड करेंगे। उसके पहले मैं इसमें एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया हुआ है, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, यदि आपको अदरक पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेट करके अदरक ऐड करूंगी। उसे क्या है कि इसका एक अलग ही फ्लेवर इसमें आता है, तो इस बार जब आप लड्डू बनाएं तो एक बार जरूर अदरक डाल के इसमें ट्राई कीजिएगा कि इसका टेस्ट आपके हर बार के तिल के लड्डू से डिफरेंट है कि नहीं है। और यदि आपको अदरक पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने मूंगफली को क्रश कर लिया है, तो अब इसमें हम मूंगफली ऐड करेंगे और फिर हम इसमें तिल डालेंगे। मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब हम इसमें अपना तिल भी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ऊपर नीचे अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि गुड़ पूरे तिल में अच्छे से लिपट जाए। देखिए मैंने कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी है तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये ठंडा होने के बाद भी अच्छे से बन जाएगा। आपको इसे अच्छे से ऊपर नीचे चलाते जाना है और मिक्स करते जाना है कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो भी अच्छे से हम बांध लेंगे इसको, एकदम गरम गरम में हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड देखिए हमारा तिल अच्छे से गुड़ में मिक्स हो गया है। अब मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, अब इसमें मैं ऐसे उंगलियों को डिप करके ऐसे दोनों हाथ में मिलाऊंगी। बहुत ज्यादा पानी नहीं लगाना है, सिर्फ हमें हाथ में पानी को टच करना है। आप चाहे तो घी का यूज भी कर सकते हैं। और इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे तिली को हमको उठाना है। साइज लड्डू का आप छोटा बड़ा जैसा बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। और बस इसे ऐसे लेके हाथ में ऐसे ऐसे राउंड करना है, आप चाहे दोनों हाथ से भी बना सकते हैं। बस हमें इसी तरह से इसको राउंड करते जाना है और एक प्लेट में रख देंगे। नेक्स्ट टाइम फिर जब लड्डू बनाए तब फिर आप हाथ में पानी लगाएं और इसे ऐसे ऐसे राउंड करते जाए। ये बहुत ही अच्छी चाशनी बनी है, तो ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद भी ये आराम से बन सकता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका लड्डू बिगड़ जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से रोल हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूंगी। फ्रेंड देखिए इतने सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं और अभी इतना तिल कढ़ाई में है, ये अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, गर्म ही है, हल्का गर्म है, लेकिन देखिए कितने अच्छे से अभी भी ये लड्डू बन रहा है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने या हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, गर्म गर्म में ही हाथ जलाने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट है, सही क्वांटिटी में है, तो आप बहुत आसानी से इजिली अकेले भी ये लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। बस आपको हर बार पानी में हाथ को डिप करना है और ऐसे राउंड करते जाना है और जो कढ़ाई में तिल रहता है उसको ऐसे ऊपर नीचे मिक्स कर लेना है। उसे क्या है कि वो अच्छे से ऊपर नीचे आ जाता है तो ठंडा भी होता जाता है और अच्छे से गुड़ में मिक्स होता जाता है। फ्रेंड देखिए मैंने चम्मच की सहायता से खुरच के पूरे तिल निकाल लिए हैं और ये इसका लास्ट लड्डू है। देखिए एक भी लड्डू हमारा नहीं बिगड़ा ना खराब हुआ और मैंने पूरा 1 किलो तिल का लड्डू अकेले ही कितने इजिली बना दिया है। यदि अब लास्ट टाइम बनाते बनाते यदि आपका तिल जमने लगे तो आप वापस उसको गैस पे कढ़ाई को रख दीजिए और हल्का सा गर्म करेंगे तो वो वापस बनने लग जाएगा। तो फ्रेंड देखिए हमने कितने अच्छे लड्डू बनाए हैं बिना बिगड़े हुए एकदम आसानी से।